हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जो आपका बीए सेकंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस है उसको मैं पूरा करवा रही हूँ एक सीक्वेंस में। तो देखिए, जो आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में आपका जो यूनिट 4 है वो है प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन। तो ये आपका यूनिट 4 है, इस सब में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं ये। तो इसमें मैं आज की वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ आपको पल्लवन। तो इसके पहले का देखिए, जो है प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और प्रतिवेदन, इन चारों के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। पूरा पूरा नोट्स आपको दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या तो फिर आपको मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इन चारों वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा जाके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बनकर आ सकते हैं, इसलिए आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा, ताकि एग्जाम में कहीं से भी आपके क्वेश्चन आए आप उसको फौरन से कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले बहुत अच्छे से आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा रखे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पल्लवन क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले देखिए पल्लवन का अर्थ क्या है। देखिए, पल्लवन का मतलब होता है विस्तार करना या बड़ा करना। देखिए, पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना या बड़ा करना। तो किस चीज को बड़ा करना, जैसे सुरेंद्र की आप लोग कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं, जो कार्यालय में यूज की जाती है, ऑफिस में यूज की जाती है, गवर्नमेंट ऑफिस में, डिपार्टमेंट में यूज की जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि लेटर्स आते हैं, नोटिस आती है, ये सब क्या है, रिपोर्ट वगैरह दर्ज की जाती है। सब उस सबके ऊपर जो कोई बात है, कोई नोटिस है जो बहुत शॉर्ट में लिखी गई है, उसको अब बड़ा करना है तो क्या करना है, उसका पल्लवन करना है। और संक्षेपण में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बड़े टॉपिक को शॉर्ट करना है, छोटा करना है, वो होता है संक्षेपण। और अब किसी बात को बहुत बड़ा करके लिखना है, वो होता है पल्लवन, बड़ा करके लिखना। देखिए, अर्थात दिए गए किसी सूत्र वाक्य या विचार को विस्तार के साथ व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है। यानी आपको कोई सूत्र वाक्य दे दिया गया है, यानी छोटा सा कोई वाक्य दे दिया गया है, या कोई विचार दे दिया गया है, यानी छोटी सी कोई भी आपको वाक्य दे दिया जाए, कोई विचार दे दिया जाए, उसको क्या करना है, विस्तार के साथ पूरी व्याख्या करके आपको बहुत बड़ा लिखना है, वो क्या है, पल्लवन कहलाता है। यानी जो आपको सूत्र वाक्य दिया गया है वो एक छोटा सा वाक्य होगा, कोई मुहावरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप क्या लिखना है, बड़ा करना है। और बड़ा किस तरह से करना है कि इस छोटे से वाक्य में क्या कहा जा रहा है, इसी को आप बड़ा करके लिखिए। और संक्षेपण में हमने पढ़ा था कि कोई बड़ा सी बात है उसको छोटा करके लिख देना, और पल्लवन में ठीक उसी का उल्टा होता है। विस्तारण का प्रयोग भी पल्लवन के लिए होता है। दिए हुए सूत्र या वाक्य के प्रयोग शब्द को भली भांति समझ कर यह जान लेना चाहिए कि लेखक का मूल मतलब क्या है। यानी दिए गए सूत्र वाक्य का प्रयोग शब्द को भली भांति समझ कर यह जान लेना चाहिए कि लेखक का मूल मतलब क्या है। यानी जो छोटा सा सूत्र वाक्य आप लोगों को दिया गया है, उसको पढ़कर आपको समझ जाना चाहिए कि जिसने इसको लिखा है, जो लेखक है, वो इसको कहना, इसमें कहना क्या चाहते हैं, उनकी मेन कहने की बात क्या है, फिर उसी को आपको पल्लवन करना है, यानी बड़ा करके लिखना है। उसी को केंद्र मानकर सूक्ति का पल्लवन करना चाहिए। यानी आपको एक छोटा सा वाक्य दे दिया गया, अब आपको ये समझना है कि जो लेखक है, जो इसको लिखने वाला है, इसमें कह क्या रहा है, छोटे से वाक्य में वो कहना क्या चाहते हैं, उसको ही आपको केंद्र मानकर पल्लवन करना चाहिए, यानी बड़ा करना चाहिए, उसको विस्तार में लिखना चाहिए। जिस सूत्र वाक्य का पल्लवन किया जाता है वह ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक या किसी महापुरुष के कथन या कहावत भी हो सकते हैं। देखिए, जिस सूत्र या वाक्य का पल्लवन किया जाता है, यानी किसी भी सूत्र का या वाक्य का पल्लवन किया जा रहा है, यानी उसको बड़ा करके लिखा जा रहा है, तो वो किस टाइप के हो सकते हैं, वो ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, यानी कोई इतिहास की बात हो सकती है, कोई ऐतिहासिक हो सकती है बात, कोई पौराणिक बात हो सकती है, कोई धार्मिक बात हो सकती है, धर्म से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, कोई सामाजिक बात हो सकती है, यानी समाज से रिलेटेड, और किसी महापुरुष, यानी जो महापुरुष हैं उनके
कथन हो सकते हैं या तो कहावत भी हो सकते हैं। तो क्या कहावत भी छोटे होते हैं, महापुरुषों के कथन भी छोटे होते हैं, तो इन सबको आप बड़ा करके लिखना है, विस्तार करना है, तो वो क्या है, पल्लवन कहलाता है। यानी छोटे से वाक्यों को बड़ा करके लिखना, और बड़ा करके ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी मन गलत करके उसको बड़ा कर दिया जाए, बस उसमें वो बात आ जाए जो आपका एक वाक्य है, ऐसा नहीं करना है। उस छोटे से वाक्य के अंदर कहा क्या जा रहा है आपको उसी चीज को बड़ा करके लिखना है, विस्तार करके लिखना है, वही होता है पल्लवन। तो एंड आई होप कि आपको पल्लवन क्या है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस दिन देखिए आप पल्लवन की परिभाषाएं देखिए। देखिए पल्लवन की परिभाषा देखिए कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार, यानी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो रहे हैं उन्होंने अपनी भाषा में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो पल्लवन की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, वो क्या है। देखिए ये कहते हैं कि पल्लवन का अर्थ होता है पल्लवन उत्पन्न करना, अर्थात विषय या विस्तार करना। यानी पल्लवन का अर्थ होता है किसी एक सूत्र वाक्य को या छोटे से वाक्य का पल्लवन उत्पन्न करना या उसको बढ़ा करके लिखना, यानी छोटी सी बात को एक विस्तार करके लिख देना। तो स्टूडेंट पल्लवन का अर्थ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसके साथ कम से कम एक दो डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो एंड आई होप कि आपको पल्लवन का अर्थ समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स अब हम पल्लवन के कुछ उदाहरण देखते हैं। यानी देखिए पढ़ना एक कला है, तो देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि पढ़ना एक कला है, तो आपको क्या करना है इसका अगर पल्लवन करने को कह दिया जाए तो आप पढ़ना एक कला है क्यों है किस तरह से है ये सब लिखने के बाद आपको अच्छे से स्पष्ट करना है, यानी इसको विस्तार करके लिखना है। देखिए दूसरा है सत्यमेव जयते, इस सत्य की सदैव ही विजय होती है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और इस स्टूडेंट यह हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। देखिए तीसरा है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो स्टूडेंट देखिए ये छोटे छोटे से शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, तो इन्हीं का पल्लवन करना आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे कि आप इसको आपको बड़ा करके अगर लिखना है विस्तार करके तो आप किस तरह से लिखेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसका हम पल्लवन करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए नर और नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के, यानी जिंदगी की जो गाड़ी है जो जिंदगी गुजारने के लिए दो पहिए हैं, नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही जिंदगी गुजारते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए जिसे इसको पल्लवन करके आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पल्लवन का उदाहरण एक मूल कथन दिया जा रहा है, एक वाक्य दिया जा रहा है, दह नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी दह नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी एक आदमी के लिए कहा जा रहा है कि जिसके अंदर देश से प्रेम न हो वो मतलब उसका दिल पत्थर का है। तो अब इसको देखिए अगर आपसे इस तरह से दे दिया जाए, एक वाक्य दे दिया जाए, मूल कथन दे दिया जाए, तो आप इसका किस तरह से पल्लवन करेंगे, किस तरह से विस्तार करेंगे। और विस्तार करने में स्टूडेंट्स आपको इसमें इसी इस इतने में ही जो बात कही जा रही है बस उसने का ही पल्लवन करना है, इसमें आपको कोई भी बात अपने मन पर मन से बनाकर नहीं लिखनी है, जो बात इसमें कही जा रही है उसी को लिखना है। देखिए इसका पल्लवन किया है मैंने, देखिए हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि और अपने देश से उसी प्रकार स्नेह रखता है जिस प्रकार वह माता पिता के प्रति श्रद्धा तथा स्नेह रखता है। यानी हर एक व्यक्ति अपने जन्मभूमि यानी अपने देश में जहाँ पैदा हुए हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारी जन्मभूमि है और हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे दिल में इसके लिए बेहद सम्मान है और हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इससे प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से प्रेम करता है और कितना प्रेम करता है, जिस तरह से वो अपने माता पिता से प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसी तरह से वो अपने देश से भी अपनी जन्मभूमि से भी प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति अपनापन की भावना रहती है, यानी हर एक व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए अपने भारत के लिए अपनेपन की भावना रहती है, इसे ही प्रेम इसे ही देश प्रेम या देशभक्ति कहा जाता है। और जो अपने देश से प्रेम करते हैं उसे देशभक्ति या देश प्रेम कहा जाता है। देखिए अब कहा जा रहा है जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता करता है वह पत्थर दिल का होता है।
क्योंकि उसमें अपनेपन की भावना की कमी रहती है। तो देखिए अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता वह पत्थर दिल का होता है, क्योंकि सुरेन हर कोई अपने देश से प्यार करता है, प्रेम करता है, उसमें अपनेपन की भावना होती है। और जो व्यक्ति अपने देश से ही प्रेम न करे उसके अंदर अपनेपन की भावना की कमी रहती है। तो सुरेन देख ये जो मूल कथन दिया गया है, दय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी उस आदमी का दिल पत्थर का है, उस व्यक्ति का दिल पत्थर का है जिसके देश जिसके अब दिल में अपने देश के लिए ही प्यार न हो, प्रेम न हो, अपनेपन की भावना न हो। तो देखिए इसको इतने अच्छे तरह से पल्लवन कर दिया गया कि हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि और अपने देश से उसी प्रकार स्नेह रखता है जिस प्रकार वह माता पिता के प्रति श्रद्धा तथा स्नेह रखता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति अपनापन की भावना रहती है, इसे ही देश प्रेम या देशभक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता वह पत्थर दिल का होता है। तो देखिए मूल कथन में यही बात कही जा रही थी, इसका पल्लवन करके इस तरह से लिखा गया है। अगर एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछे तो आपको इसी तरह से पल्लवन करना होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक मूल कथन दे दिया जाए, एक वाक्य दे दिया जाए, तो आप उसको किस तरह से पल्लवन करेंगे। उसमें कहीं दूसरी बात नहीं लाना है, बस उसी बात के हिसाब से आपको एक पल्लवन करना है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पल्लवन की विशेषताएं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है या आपसे शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, समटाइम्स ये लॉन्ग में भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए पल्लवन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट है वाक्य सरल और छोटे हों। यानी अगर आपको कोई एक वाक्य दे दिया गया है उसको आपको पल्लवन करना है, तो जब आप उसको पल्लवन करेंगे तो उसका वाक्य सरल होना चाहिए और बहुत छोटे में लिखना है। यानी अब ये नहीं कि आपको एक वाक्य दे दिया गया तो उसका पल्लवन करते करते आप 5-6 पेज भर दें, ऐसा भी स्टूडेंट्स नहीं करना है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के दिखाया है, आपको ठीक उसी तरह से पल्लवन करना है। देखिए दूसरा पॉइंट है वाक्य स्पष्ट होगा, दो अर्थी ना हो। यानी जो आपको एक सूत्र वाक्य दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, इसका पल्लवन करना है तो आपको ना एकदम स्पष्ट करना है, यानी कि उसका जो सेंटेंस हो, जो उसके शब्द हो एकदम स्पष्ट हो ताकि पढ़ते ही समझ में आ जाए, और दो अर्थी ना हो यानी एक ही बात का दो मतलब ना हो। तीसरा पॉइंट है वाक्यां समझा कर भी की जा सकती है, और उदाहरण दृष्टांत कहानी किस्से आदि के द्वारा भी सूत्र वाक्य को स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्याख्या समझा कर भी की जा सकती है। व्याख्या किसकी व्याख्या की बात हो रही है, जो एक छोटा सा मूल कथन आपको दिया जाएगा उसकी व्याख्या समझा कर भी की जा सकती है, और उदाहरण दृष्टांत कहानी किस्से आदि के द्वारा भी सूत्र वाक्य को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी अगर आपको कहीं पर किसी उदाहरण को देकर समझाने की जरूरत पड़ जाए अपने पल्लवन में, तो आप उसका यूज करके भी अपने वाक्य को व्याख्या को समझा सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है पल्लवन करते समय लेखक के विचारों को प्रस्तुत करना ही उद्देश्य होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए पल्लवन करते समय लेखक के विचारों को, यानी आपको अभी एक वाक्य दे दिया जाए जिस तरह से मैंने आपको अभी एक एग्जांपल देके समझाया है, इसी तरह से आपको अगर कोई भी एक वाक्य दे दिया जाए और कहा जाए इसका पल्लवन कीजिए, तो आप उस वो चाहे कहावत हो सकते हैं, कोई कथन हो सकते हैं महापुरुष के, तो उसमें जो लेखक है, जो उसको लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, उनके विचार को यानी उस छोटे से कथन में या कहावत में वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके विचारों को प्रस्तुत करना, पल्लवन में उनके विचारों को प्रस्तुत करना, यानी छोटे से बात में जो उन्होंने कही है आपको थोड़ा सा उसको बड़ा करके विस्तार करना है, पल्लवन करना है, और जो लेखक है, जो लिखने वाले, उनके जो विचार है, जो उनके आइडियाज है, उनमें उनको ही प्रस्तुत करना यानी उनको ही लिखना उद्देश्य होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपको एक वाक्य दे दिया गया पल्लवन करने के लिए, तो आप वहां पे ये ना देखें कि उस वाक्य में कहा क्या जा रहा है, लेखक कहना क्या चाहते हैं, बस उसको पढ़ा और अपने हिसाब से उसका पल्लवन करके रख दिया, अपने मन से पढ़ के जो समझ में आया बस उसी हिसाब से उसको पल्लवन कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो कथन दिए गए हैं आपको लेखक के विचारों को ही प्रस्तुत करना है, और आपका यही उद्देश्य होना चाहिए पल्लवन करते टाइम। देखिए पांचवा पॉइंट है पल्लवन व निबंध में मूलभूत अंतर यह है कि दिए गए सूत्र वाक्य में निहित भाव को स्पष्ट करना यदि पल्लवन है तो उसमें दिए गए शब्दों का विश्लेषण करना निबंध कहलाएगा।
यानी सुरेंद्र देखिए आपको एक वाक्य दिया गया है, जिस तरह से मैंने अभी आपको उदाहरण में दिखाया कि आपको इसी तरह से वाक्य दिए जाते हैं और उनका पल्लवन करना होता है, उनका विस्तार करना होता है। तो आपको जो एक वाक्य दिया गया है, एक सूत्र वाक्य दिया गया है, आप उसको जब विस्तार करके लिखेंगे, जिस तरह से अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया है, तो आपको जब, जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिखाया था वो क्या था, दय नहीं है वह पत्थर है जिसमें सौदेज का प्यार नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, मूल कथन हो गया या सूत्र वाक्य होगा। आपको अब करना है इसका पल्लवन करना है, तो जो उसमें आपने पढ़ा और जो समझा हमने उसका पल्लवन किया, तो उसका जो आप उसके उसको पढ़ के जो उसका भाव स्पष्ट करेंगे, यानी छोटे से कथन में जो बात कही जा रही है उसको बढ़ा करके लिखेंगे, विस्तार करके लिखेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, पल्लवन हो जाएगा। और उसमें दिए गए शब्दों का जो आप विश्लेषण करेंगे वो आपका निबंध हो जाएगा। इस तरह से पल्लवन व निबंध दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि पल्लवन मछली की आंख है तो निबंध पूरी मछली है, यानी अगर आपको मछली की आंख के ऊपर पल्लवन करने को कह दिया जाए तो आप मछली के बारे में पूरा उसमें स्पष्ट करेंगे और उसमें आपका मेन उद्देश्य क्या होगा, मछली की आंख के बारे में आपको उसका पल्लवन करना है। लेकिन निबंध क्या है, आपकी पूरी मछली है, क्योंकि आप उसमें मछली के बारे में स्पष्ट जरूर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पल्लवन की विशेषताएं भी पढ़ ली एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए अब हम देखेंगे पल्लवन के नियम, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि पल्लवन करते टाइम क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या मतलब नियम हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पल्लवन के नियम, यानी पल्लवन करने से पहले आपको एक वाक्य दे दिया गया, आप उसको पल्लवन करना है, तो उसको करने से पहले क्या क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि पल्लवन करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या पल्लवन के क्या नियम है। तो उसमें देखिए पहला पॉइंट है, पल्लवन करने से पहले दिए गए वाक्य या युक्ति, ये युक्ति है स्टूडेंट्स, दिए गए वाक्य या युक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यानी स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा वाक्य दे दिया जाता है, एक से डेढ़ लाइन का वाक्य होगा, अब आपसे कहा जाएगा इसको पल्लवन कीजिए, आप उसका पल्लवन करेंगे कम से कम 8 से 10 लाइन का तो आपको करना ही होगा, जिस टाइप का होगा। अगर आपका जो वाक्य थोड़ा बड़ा होगा तो पल्लवन भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको 4-5 पेज का पल्लवन नहीं करना है स्टूडेंट्स, 1 से आधा पेज आपको पल्लवन करना होगा। तो क्या है कि आपको जो वाक्य दिया गया है उसको पहले आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि इस एक लाइन के वाक्य में, सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। जब आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसका पल्लवन बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए दूसरा पॉइंट है, सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जब आपको पल्लवन करना होगा तो आपको इतने सरल शब्द यानी बहुत ही इजी वर्ड्स का यूज करना होगा ताकि पढ़कर आप उसको बहुत आसानी से समझ सकें। तीसरा पॉइंट है, पल्लवन की रचना करते समय यह ध्यान रहे कि पल्लवन के भाव व भाषा की अभिव्यक्ति पूरी तरह स्पष्ट हो, मौलिकता और सरलता भी होनी चाहिए। यानी जब आप पल्लवन कर रहे हैं किसी भी वाक्य का तो आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि पल्लवन के भाव का जो भाषा है वो पूरी तरह से स्पष्ट होने वाली हो, यानी इसमें ऐसी भाषा और ऐसे भाव को मत व्यक्त कीजिएगा जिसको पढ़कर आप स्पष्ट ही ना हो, क्लियर ही ना हो कि इसमें कहा क्या जा रहा है। भाषा ऐसी यूज कीजिएगा जो पढ़ के समझ में आ जाए, जिसमें मौलिकता हो और सरलता हो, यानी पढ़कर समझे जा सके और इजी रहे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अनावश्यक बातों का विस्तार नहीं करना चाहिए। यानी आपको किसी भी ऐसी बातों का उसमें नहीं विस्तार करना है, नहीं लिखना है जो अनावश्यक है, यानी जो उतनी जरूरी नहीं है, उतनी खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उन्हीं बातों का विस्तार कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है और जो बात उस वाक्य के अंदर कही जा रही है। ये कुछ रूल्स हैं जो पल्लवन करने से पहले ध्यान रखे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। एंड आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।